मैं आपका दोस्त गार्डनर बॉय आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे बिजी होंगे। दोस्तों आज हम लगाने वाले हैं तुलसी का प्लांट। दोस्तों आज मैं आपको तुलसी के प्लांट की पूरी टिप दूंगा, कैसे लगाना, कैसे इस प्लांट को बूसी प्लांट बनाना है। तो दोस्तों आप देखिए, मैं ये लेकर आया हूँ 8 इंची का गमला प्लास्टिक का लेकर आया हूँ और इसमें मैं अपना तुलसी का प्लांट लगाऊंगा। तो दोस्तों इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट मिलाई है, तो 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट इसमें सही है। और दोस्तों बर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया खाद होती है। और दोस्तों ये मैं नीम की खली लेकर आया हूँ, इससे ये फ़ायदा रहता है कि हमारे अगर सॉइल में किसी तरह के कीड़े या कुछ हानिकारक जो हमारे प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा देते वो मर जाते, किल हो जाते इससे। तो ये नीम की खली आप जब भी प्लांट लगाया करें तो ज़रूर नीम की खली उसमें मिलाया करें। तो दोस्तों प्लांट को जब भी देखें ऐसे निकाले करें ना, तो ऊपर की पन्नी को ऐसे आराम आराम से खींचा करें जिससे इसकी रूट डैमेज ना हो। तो दोस्तों देखिए ये इसकी रूटें हैं, तो इसको हम लगाते हैं। देखिए इसमें रूट आ रही हैं, ये छोटी छोटी, तो इनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम अपने प्लांट को लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, इसमें पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा, आप बीच में वीडियो छोड़ के ना जाएं। तो ये हमने अपना प्लांट लगा दिया है और ये इसकी जो मिट्टी है, हमको साइड साइड से मिट्टी हमेशा सॉफ्ट मिट्टी रखें, हार्ड मिट्टी ना रखें, ताकि सॉफ्ट मिट्टी में ही अच्छे से रूट फैलती है। तो हम अपने इस प्लांट में मिट्टी भर देते हैं, पूरी जड़ें हमको इसकी जो है कि दिखनी नहीं चाहिए ये, और इधर थोड़ा रह रहा है। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखिए, मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारे तुलसी के प्लांट को 35 दिन हो गए हैं, तो देखिए हमारा तुलसी का प्लांट, देखिए इसकी कई ब्रांचें आ गई हैं, नई नई ब्रांचें आ गई हैं, देख सकते हैं। यही तुलसी का प्लांट हमने लगाया था, उस समय इसकी एक ही ब्रांच थी और आज इसकी 4 ब्रांचें निकली हैं नई नई। आप भी अपने तुलसी के प्लांट को ऐसे ही बूसी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक जानकारी और दोस्तों आपको दूंगा तुलसी के बारे में, कि तुलसी का जब भी ऊपर का फ्लावर आ जाता है, तो तुलसी का जो कोई भी प्लांट फूल का होता है, जब उसमें ऊपर फ्लावर आ जाता है तो उसको यही लगता है अब उसकी लाइफ साइकिल पूरा हो गया है। तो वैसे ही तुलसी के प्लांट में भी देखिए ऊपर छोटे छोटे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये इनमें इनके सीड जो होते हैं वो तैयार होने शुरू हो जाते हैं, तो प्लांट को लगता है कि अब मेरा लाइफ साइकिल पूरा हो गया है। तो आप ना जब भी आपके जो भी फ्लावर प्लांट हो या फिर तुलसी प्लांट हो, फिलहाल तो मैं आपको तुलसी के बारे में बता रहा हूँ, तो उनके सीड आपको पकने नहीं देने हैं। अब जैसे ये देखिए सीड ये पक रहा है इस पर, तो इसको मैं क्या करूँगा, कट कर दूँगा, हाथ से इसको पिंच कर दीजिए, देखिए ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे करके आप ना इनके जो है पिंच कर देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके जो तुलसी के प्लांट की लाइफ बढ़ जाएगी। देखिए मैंने ये हटा दिए हैं। तो दोस्तों आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, ये ट्रिक अजमाई हुई ट्रिक है। और दोस्तों ऐसे पिंच करने से हमारा प्लांट आगे और भी बूसी प्लांट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल का आइकन आएगा, उसको क्लिक करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों हमारा देखिए 35 दिनों बाद प्लांट का रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।